नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से मरीजों की जो लगातार मौत हुई है उसको लेके तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ये देखने में आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल जब मरीजों को दाखिला देते हैं तो ये नहीं बताया जाता कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने वाली है या कमी हो सकती है, वो तो पूरी फीस लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो लगातार जो मौत हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी मामला आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि आप इस पर विचार करें, जिन लोगों की मौत हुई है उनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं अवधेश कुमार सिंह, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, अगर ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटल में मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हमारे संविधान के अनुसार भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पांच मौलिक आवश्यकता है जिसको पूर्ति करने का मूल रूप से कर्तव्य दिया गया है स्टेट को। सेंटर जो है, सेंटर भी उत्तरदायी तो बनता है, लेकिन फर्स्ट जो है स्टेट इसकी जिम्मेवारी लेती है। और जहाँ तक स्वास्थ्य संबंधी जो बात है, वो स्वास्थ्य संबंधी का जिम्मेवारी मूलतः स्टेट होती है। और स्टेट का ये जिम्मेवारी बनती है कि आपने प्राइवेट जो लाइसेंस दिया जिस हॉस्पिटल का, आपने उनको किस आधार पर दिया और आप लोगों के बीच में क्या कॉन्टेक्ट है, ये चीज़ को देखना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक है कि व्यक्तियों की मौत की बात है, तो उस मौत का जिम्मेवार तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो भी होगा। और अब सवाल है दायित्व का जो झगड़ा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, ये स्टेट और हॉस्पिटल का जिम्मा है। और लेकिन जो मरा है उसको मिलना चाहिए मुआवजा, चाहे वो स्टेट दे चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल दे, लेकिन उसे मिलनी चाहिए। और हम लोगों को ये अधिवक्ताओं का एक कर्तव्य बनता है कि इस बिंदु पर हम लोगों को न्यायालय से कुछ उचित आदेश लेने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति की मौत हुई है उनके परिवार को कुछ सुख सुविधा आर्थिक रूप से मिल सके। अगर वैसा नहीं होगा तो जितने ढंग का, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, मैं तो कहता हूँ कि जहाँ तक दिल्ली की बात जो आप कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नहीं कई बार कई मन से इस बात को आश्वस्त किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है अपने घर पर रहेगा, मैं उसके पास ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा। परिणाम क्या हुआ, घर के पहुंचाने की बात तो छोड़िए, आप हॉस्पिटल पहुंचाने पर एडमिशन्स नहीं हो रहा है। लाख लाख रुपया एक सीट देने को तैयार है और लाख लाख रुपया लोग लिया है, जैसा कि जानकारी पेपर पत्रिका या लोगों से मिलती है। हम तो इस तो सरकार की फेलियर की बात करें, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मौत हो रही बहुत ही दुखदाई है, और खासकर ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि अगर आप दाखिला देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको कम से कम आप जानकारी तो देना चाहिए आपको कि ऑक्सीजन है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से त्रासदी हुई है तो उसके लिए क्या प्राइवेट हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है? क्या वो मुआवजा देने के लिए क्या हकदार नहीं हो? एकदम हकदार है। अब सवाल है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेट पर बिकेगा, स्टेट हमको ऑक्सीजन नहीं दिया, ये अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति मरा है उस व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन उसका पहला अगर कोई जिम्मेवारी बनती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल बनेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल फिर स्टेट को जिम्मेवार बनाए, सेंटर को जिम्मेवार बनाए, अलग बात है, ये उसकी लड़ाई है। लेकिन व्यक्ति को, जो व्यक्ति मरा है उस व्यक्ति का परिवार को इस पर जरूर केस दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से जो मौत हो रही है कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदाई है, और इसके लिए सीधे सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो मरीज जो मरे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको मुआवजा देना बहुत ही जरूरी है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को कहा है कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से हुई है, और ऑक्सीजन पहुँचाने की जिम्मेदारी आखिर कहीं ना कहीं सरकार की है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।